हम आपको आगे बताएं, ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया है ओपी राजभर ने। 13 अप्रैल को उन्होंने इस्तीफा दिया था। टिकट बंटवारे से ओपी राजभर नाराज चल रहे थे और इसी नाराजगी के आधार पर या उस वजह से उन्होंने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले कई बार बागी सुर अख्तियार करने वाले ओपी राजभर वक्त वक्त पर ये कहते रहे हैं कि वो अलग हो जाएंगे, लेकिन जब भी बात आती थी कैबिनेट पद छोड़ने की या उससे इस्तीफा देने की, तो उससे हमेशा से ओपी राजभर उस पर जवाब देने से बचते थे। लेकिन अब एक बड़ा फैसला ओपी राजभर ने लिया। टिकट बंटवारे से नाराज चल रहे थे ओपी राजभर, जिन्होंने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया। ओम प्रकाश राजभर ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट मंत्री पद से ओपी राजभर ने अपना इस्तीफा दिया। 13 अप्रैल को ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तारीख की रात को ही हमने मंत्री पद से इस्तीफा उनको दे दिया। जब उन्होंने ये कहा कि आप खुद हमारी पार्टी से, हमारे सिंबल से, भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल पे आप घोसी से चुनाव लड़िए, तो मैंने उनसे कहा कि हमारी पार्टी अपने सिंबल, अपने झंडे से चुनाव लड़ेगी। पार्टी का टिकट तय करना हमारी पार्टी का काम है, आपका नहीं। हम समझौते में एक ही सीट पर लड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ फोन लाइन। पंकज, ये जो बात ओपी राजभर कह रहा है कि बीते 13 अप्रैल को ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, हर बार कैबिनेट के पद से इस्तीफा देने पे संकोच करते थे, लेकिन एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया, इसके पीछे के मायने क्या हैं? पंकज, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। पिछले दिनों जब अमित शाह दौरे पे आए थे तो ओपी राजभर को पार्टी मुख्यालय पर बुलाया था, और जो बात इन्होंने अभी ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं इन्होंने जो रखी है, ये बात रखी थी कि घोसी की एक सीट जो सबसे लास्ट में डिक्लेयर की गई थी, ये सीट इनको दी जा रही थी, लेकिन बीजेपी के सिंबल पे इनको टिकट दिया जा रहा था जो इनको नामंजूर था। उसके दूसरे दिन इन्होंने बाकायदा अपने आवाज से मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि हम बीजेपी से चुनाव अलग लड़ेंगे। इस्तीफे की बात का भी जिक्र किया था कि मैं मुख्यमंत्री आवास पे गया और इस्तीफा दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री मुझसे मिले नहीं, उस समय भी बातें आई थी। और आज जिस तरीके से बयान दिया है कि 13 अप्रैल को मैंने इस्तीफा दे दिया, ये बात सही है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री शायद इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किए हैं। और ये अभी मेरी थोड़ी देर पहले प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी से और राजभवन में मेरी एक अधिकारी से बातचीत हुई, क्योंकि अभी ना राजभवन में उनका इस्तीफा भेजा गया, मुख्यमंत्री अभी जब अनुशंसा करेंगे तो राजभवन में उनका इस्तीफा भेजा जाएगा। और इधर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, उनको भी अभी इस स्थिति में पूरी जानकारी नहीं है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के अनुसार वो 13 तारीख को इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस्तीफा मंजूर हुआ है ये एक बड़ा सवाल है। क्या आज इस्तीफा मुख्यमंत्री मंजूर कर लिए हैं, उनको कोई मैसेज गया तब उन्होंने बयान दिया है, इसकी स्थिति थोड़ी देर में स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की तरफ से बयान आ गया है कि मैंने 13 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है, कोई बात सामने नहीं आई है। जब तक मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं तब तक इस्तीफा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं, लेकिन आज उनका पहली बार स्पष्ट तौर पे बयान आया है कि मैंने इस्तीफा 13 अप्रैल को दे दिया है। 13 अप्रैल को दे दिया है तो अब तक ओम प्रकाश राजभर का बयान इससे पहले क्यों नहीं आया था? हो सकता है आज मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिए हो, मैसेज चला गया हो, अब थोड़ी देर में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे पहले हमें याद आता है पंकज की वो जिक्र कर रहे हैं अप्रैल महीने का ही, और एक खबर ये भी आई थी कि जब सुबह तड़के 3 बजे ही पहुँच गए थे ओपी राजभर सीएम योगी से मिलने इस्तीफा लेकर, तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी वो सो रहे हैं इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। और कई बार हमने भी उनको फ़ोन लाइन पे लिया है, सीधी इस्तीफे की बात से तो वो हमेशा से बचते थे, पार्टी अलग करने पर भले ही बार बार वो चेतावनी देते थे बीजेपी को, लेकिन इस बार इस फैसले को लेकर चुनाव में ये फैसला लिया गया है, इसका आप कितना बड़ा असर मानते हैं? क्योंकि अपने उम्मीदवार उतारने की का फैसला भी का ऐलान भी ओपी राजभर कर चुके हैं। जी, पूर्वांचल में कई सीटें ऐसी हैं जहां राजभर 3 से 4
परसेंट या 5% है जो गठित भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ सकते हैं। अब दो फेज का जो चुनाव बचा है वो खासकर पूर्वांचल से लेकर के बनारस बेल्ट पे, जहाँ पे राजभर जातियों का वोट प्रतिशत सरकार नहीं कर सकते, लेकिन जो कंट्रीब्यूट होगा उसको हराने जिताने का मादा रखते हैं। और यही कारण है हमें लगता है कि बीजेपी पे एक बार फिर से दबाव बनाने के लिए ये ऐसा बयान आया कि मैं 13 अप्रैल को अपना इस्तीफा दे दिया गया। शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान या इनको मनाने की कोशिश हो, क्योंकि बहुत इस्तीफा देना राजभर के लिए या उनकी पार्टी के लिए ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि राजभर के पास और कुछ नहीं है, अभी भी सरकार 3 साल रहनी है, क्योंकि सरकार में रहते ही राजभर ने अपने कद बनाए और पार्टी को स्थापित कर लिया। अब ये बड़ा सवाल है कि राजभर का इस्तीफा मंजूर हुआ है कि नहीं, क्योंकि राजभर इससे पहले बार बार कई बार दफा कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री आवास पे इस्तीफा देने गया, कर्मचारियों को दिया इस्तीफा लिया नहीं, मुख्यमंत्री टाइम नहीं दिए, मुख्यमंत्री मुझसे मिल नहीं रहे, मैं इस्तीफा देने की बात कर रहा हूँ। उसके 2 दिन पहले अमित शाह आए थे पार्टी मुख्यालय पे, बकायदा 4 बजे तक मीटिंग भी चली थी जिसमें इनको बुलाया गया था, जेपी नड्डा, सुनील बंसल के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और जो घोसी सीट की बात इन्होंने की थी, ये वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल पे इनको लड़ने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन इन्होंने कहा था मैं अपने सिंबल से चुनाव लड़ूंगा नहीं तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। इन्होंने वहां जवाब दे करके दूसरे दिन बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की और कहा कि मैं सरकार से गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ूंगा और अगर मेरा इस्तीफा मांगा जाता है, इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा देने गया था। तो बात उसी समय की है, लेकिन अब इस समय राजभर का बयान हो सकता है चुनावी स्टंट हो, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका। निश्चित रूप से ओपी राजभर का 5वें चरण के मतदान के दिन आकर ये कहना जाहिर है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कहा था कि आखिरी चरणों में मैं अपने उम्मीदवार उतारूंगा, तो जाहिर है कि जिसके खिलाफ वो युद्ध लड़ रहे हैं चुनावी, वहाँ उसके खेमे में रहकर वो कैसे युद्ध लड़ सकते थे। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि उन्होंने बीते 17 अप्रैल में ही इस्तीफा दे दिया था और दरअसल घोसी से वो अपनी ही पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, जो योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे कैबिनेट मंत्री के पद पर, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी कोई खबर जनतंत्र टीवी के पास नहीं है। फिलहाल ओपी राजभर ही ये बात कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे चुके हैं।